कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस सवाल का जवाब दर्शकों को मिल चुका है। साथ ही दुनिया भर में बाहुबली पार्ट 2 ताबड़तोड़ कमाई भी कर रही है। फिल्म की स्टारकास्ट प्रभास, अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुबत्ती और तमन्ना भाटिया को भी काफी पसंद किया जा रहा है। लेकिन बाहुबली अगर बॉलीवुड सितारों के साथ बनती तो कौन कौन से सितारे इन किरदारों में जमते? आइए इस पैकेज के जरिए आपको भी दिखाते हैं बाहुबली से देवसेना तक का बॉलीवुड अंदाज। ऋतिक रोशन बाहुबली। फिल्म में बाहुबली का कैरेक्टर प्रभास ने प्ले किया है, लेकिन ऋतिक रोशन को बाहुबली के किरदार में देखना ऑडियंस पसंद कर सकती है। प्रियंका चोपड़ा देवसेना। अनुष्का शेट्टी ने देवसेना का किरदार निभाया है। इस किरदार को पर्दे पर प्रियंका चोपड़ा से अच्छा और कोई नहीं निभा सकता। अक्षय कुमार भल्लाल देव। ऋतिक अगर बाहुबली बनते हैं तो उन्हें टक्कर देने के लिए अक्षय जैसे सितारे की जरूरत थी। अक्षय पर भल्लाल देव का किरदार काफी सूट होता। कटरीना कैफ अवंतिका। कटरीना कैफ अवंतिका के किरदार में अच्छी लगती। मिथुन चक्रवर्ती कटप्पा। मिथुन ने सलमान खान की फिल्म वीर में एक वॉरियर का किरदार निभाया था, इसलिए उस कैरेक्टर को देखकर कह सकते हैं कि बाहुबली में मिथुन चक्रवर्ती कटप्पा का किरदार निभा सकते थे। रेखा शिवगामी। शिवगामी के किरदार के साथ रेखा ही इंसाफ कर पाती। रेखा ने पहले कई दमदार कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। अनुपम खेर बिज्जल देव। चालबाज में अनुपम खेर द्वारा निभाया गया किरदार आज भी लोगों के जहन में है। भल्लाल देव के पिता बिज्जल देव का किरदार अनुपम खेर अच्छे से निभा सकते थे। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।